वीडियो की तरफ जाने से पहले सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आज के वीडियो में सिस्को पैकेट ट्रेसर पे करेंगे हम लोग, दो नेटवर्क को ऐड करेंगे। तो ये दो हम लोग स्विचेस ले लेते हैं, दो स्विचेस में ये कंप्यूटर ऐड कर लेते हैं। कुछ हम जितने भी यूज़र हैं, दो दो तीन तीन जितना भी आप करना चाहें, इनको अब कनेक्ट करने के लिए जो है वो एक राउटर की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दो नेटवर्क्स हैं, दो नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट करने के लिए हमेशा हमें एक राउटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमें एक केबल चाहिए। तो ये हम लोग अब एक केबल लेते हैं, केबल को लेके हमने उस पर क्लिक करना है। तो ये हम लोग किस इथरनेट पे कनेक्ट करना है, जिस भी इथरनेट पे कनेक्ट करना है उसको हम लोग ये उस पर कनेक्ट करना है। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जब कंप्यूटर पे आएंगे, कंप्यूटर पे हमें आ रहा है कॉम पोर्ट आ रही है और इथरनेट आ रही है, तो हमें इथरनेट पे लगाना है। तो हम लोग इथरनेट सेलेक्ट कर लेते हैं, एक और वायर लेते हैं। अब इसको स्विच के इथरनेट से ले के लेफ्ट कंप्यूटर के इथरनेट पर लेते हैं। अभी स्विच को दूसरा नेटवर्क के दूसरे इथरनेट पे लगा देते हैं। एक और वायर ली, इथरनेट को कंप्यूटर के इथरनेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये अब हमारे स्विचेज कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हो गए हैं दोनों नेटवर्क्स। अब क्या करते हैं हम लोग, इधर उनके आई पी की रेंज लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस नेटवर्क की जो है रेंज वो हम लोग ये रख लेते हैं, गेटवे इसका ये रख लेते हैं, सबनेट ये रख लेते हैं, ठीक है। ये यानी इसका ये गेटवे होगा, इस कंप्यूटर का आईपी जो है हम लोग ये रख लेते हैं, सबनेट ये हो गया, और गेटवे इसको यानी स्विच का दे देते हैं। और दूसरे नेटवर्क पे आके दूसरे नेटवर्क के जो कंप्यूटर्स हैं उनको हमने आईपी उसका देना, आई पी एड्रेस सबनेट मास्क और उसका गेटवे डिफ़ॉल्ट गेटवे उसका इस स्विच का दे देंगे इसको, ठीक है। दूसरे कंप्यूटर का आई पी हम देख सकते हैं 192.168 जो सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट गेटवे। अब तो हम लोग ये आई पी हो गए। अब क्या करते हैं कि इन आई पी को देख लेते हैं कि ये इन लिखने में कोई गलती की, ये मेक श्योर करने के बाद अब हम अभी हमें क्या करना है कि इस स्विचेस को अब राउटर के साथ कनेक्ट करना है। तो कम्युनिकेशन वायर लेके तो स्विच को हम लोगों ने करना है इथरनेट पे, फर्स्ट इथरनेट 1 2 आ रही है फिलहाल। अब आपने देख लेना है इसमें कि किस पे आप कोई भी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। इसको अब हम लोगों ने इथरनेट पे कनेक्ट कर देना, ठीक है। एक और वायर ली, अब इस राउटर को दूसरे नेटवर्क के स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इसको इथरनेट पे कनेक्ट कर देते हैं। अब हम लोग इसकी आईपी एड्रेसेस लिख लेते हैं, ये नेटवर्क 2 का गेटवे हो जाएगा, ठीक है जी। ये 1 का ये गेटवे आ जाएगा इस नेटवर्क का, ठीक है। अब इस पर जाके हम लोग आईपी एड्रेसेस देख लेते हैं इसका, इसको आईपी एड्रेस सेट कर लेते हैं स्विच का जो है 192.10.0 कोई सा भी आप रख सकते हैं अपने नेटवर्क के मुताबिक, जो भी आपका नेटवर्क है। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे ये रख लेता 10.0.2 ओके होगा, 10.0.3 चलिए इसका रख लेते हैं, 10.0.3 ओके हो गया। इसको मैं इधर से इसको 192.168.0.2 और गेटवे इसका जो है 192.168.0.1 दे देता हूँ, यानी इस नेटवर्क का स्विच का जो है वो गेटवे स्विच का हो गया।
तो ये हमारा नेटवर्क जो है वो आपस में कनेक्ट हो गया। अब इसको पिंग करके देखते हैं कि ये पिंग होता है कि नहीं होता। पिंग ये अभी नहीं हो रहा क्योंकि वो हमने अभी इथरनेट को जो है नो शट डाउन नहीं किया हुआ, एक्टिव नहीं है। और अब इसको देखते हैं, राउटर के इथरनेट को हमने वो आईपीज वगैरह भी नहीं दिए हुए, तो अब इसको हम लोग इसके इथरनेट पे जाके तो इसको आईपीज वगैरह सेट करते हैं और इसकी जो इथरनेट का पोर्ट है उसको एक्टिवेट करते हैं ताकि वो कम्युनिकेशन जो एक्टिव हो सके। अब देख रहे होंगे कि ये सारी जो केबल्स और पॉइंट्स आ रहे हैं वो रेड आ रहे हैं, इस वजह से कम्युनिकेशन नहीं हुई है। तो इसको आप राउटर पर क्लिक करेंगे तो इसको ये इंटरफेस आ जाएगा। तो ये इंटरफेस पे इनेबल कमांड लिखें, कॉन्फ़िगर टर्मिनल की कमांड लिखें, एंटर कर दें। तो ये एक्चुअल हमने करना क्या, अब इसको हमने कम्युनिकेशन जिस इथरनेट को जो जिस इथरनेट को ये स्विच ऐड किया हुआ नेटवर्क वन का उस पर जाते हैं। उस पर जाके तो उसको श्रेणी का आईपी सेट कर देते हैं ताकि वो जो है आपस में उसकी कम्युनिकेशन जो है ना वो हो सके। ये आईपी वगैरह रखती है, इसकी कम्युनिकेशन हम लोग इसको रूटर पे जाके तब वो हम लोग इसको आईपी जो है वो उस इथरनेट को देंगे जिस इथरनेट पे दूसरा नेटवर्क हमने जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। इसको शट डाउन कर देते हैं ताकि ये आपस में अब कम्युनिकेशन जो है इनकी होनी चाहिए, नेटवर्क वन की नेटवर्क टू के किसी भी कंप्यूटर पे जो है वो कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो अब इसको दोबारा से एक दफ़ा पिंग करके हम लोग देखते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे नेटवर्क के किसी कंप्यूटर को पिंग करके देखते हैं कि वो पिंग कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो ये लिखते हैं हम लोग पिंग PNG और कोई सी भी कमांड लिखेंगे। एक दफ़ा टाइम आउट आएगा फर्स्ट टाइम, वो राउटिंग जनरेट कर लें जी। ये रिप्लाई आना शुरू हो गया, किसी और आईपी के दूसरे को देखते हैं। ये रिप्लाई आना शुरू हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।